सो आई एम रेडी टू गो। मेरा ना वही हाल है जिंदगी का, वो वाला ट्रेंड नहीं चल रहा है इंस्टा पे। मैं मेरे को क्यों नहीं बताते आप? नहीं, नहीं, अब जो भी आते हैं पहले तो मैं यही वाला कहूंगी। तो अब से ये होगी मेरी टिप्पी। आ गया एक और प्लेयर। अब मैं क्या है, खब्बी? हाँ खब्बी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी नहीं है, तो बादल बादल हैं सिर्फ। तो शाम रात को तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई थी, तो उसके कारण जो गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैंने सोचा कि शुरुआत कर ली जाए ब्लॉग की, क्योंकि फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ बाज़ार थोड़ा सा, तो काम रहेगा। अगर वहाँ पर मैं कुछ शूट कर पाई तो मैं करूँगी, वरना मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी वहाँ पर। तो बाकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो चलो, और ये मैंने निकाल लिए थे कपड़े, ये भी मेरे को अल्टर कराने के लिए देनी है, और एक और था उसको भी अल्टर कराने के लिए देना है, वो नीचे पड़ा है। सो आई एम रेडी टू गो। जल्दी से निकलते हैं, 11 बज चुके हैं फिर, क्योंकि मेरे को भाभी को भी लेकर आना होगा 2 बजे, तो तब तक का ही मेरे पास टाइम है। हमारी कंघी भी हो गई है डन, और अब लेते हैं चाबी और निकलते हैं। और मेरे बैग पे एक और पार्टनर एड ऑन हो चुका है, ये यूनिकॉर्न। पहले मेरी ये किटी थी और अब ये यूनिकॉर्न भी ऐड हो गया है। आज धूप काफ़ी ठंडी है, मौसम ठंडा है, तो आराम से चल जाएगी स्कूटी भी, और ग्लव्स की भी नीड नहीं पड़ेगी। और हाय, देखो मैं दीदी को मिल गई हूँ स्कूल से आते वक्त। अभी हम घर पर निकल जा रहे हैं आज। हाँ आज गर्मी नहीं है, पर आज पर धूप नहीं निकली है, पर फिर भी गर्मी तो है थोड़े बहुत। स्कूटी में ठंडी है हवा ना? हाँ हवा चल रही है, इस रास्ते में ठंड होती है। तो मैं हर बार रुचि को ढूंढते हुए जाती हूँ, पर ये दिखती नहीं है, पर आज मैं नहीं ढूंढ रही थी, पर आज दिख गई। रुचु को हमने छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं घर वापस, और रुचु जा रही है घर पे गेट पे आके। मैं इधर से ही वापस मुड़ने लगी हूँ, क्योंकि भाभी को भी छुट्टी हो गई होगी, तो अब बाकी सभी से बाद में मिलेंगे, बाय। तो अभी मैं जा रही हूँ भाभी को लेने, अब देखते हैं, भाभी को स्कूल ही जा रही हूँ लेने मैं। ये है भाभी का स्कूल, अब भाभी को कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहे हैं, तो जब आते हैं तो फिर दिखाती हूँ। मैं इधर से वेट करती रही, वो उधर से आ रहे हैं। से हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो, मुझे बोला था दही डलवाने के लिए, तो भाभी अभी लेने गए हैं दही। यहाँ से अभी हम घर को चल जाएंगे। पहुँच गए हम घर, और भाभी की वो नारियल पानी की भरपाई कर रही हूँ। देखा मैं नारियल पानी की जगह जीरा पानी। अच्छा, उफ थक गए अभी, पहले चेंज वगैरह करते हैं। हाँ लाया दही भी, भाभी ने किचन में रख दिया होगा। मौसम बहुत प्यारा है, मतलब धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, शायद बारिश हो जाए तब अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं जल्दी से चेंज करके लंच करूँगी और फिर थोड़ी देर सो जाऊँगी। ओह शिट, मैंने तो अपना व्लॉग भी नहीं वो किया, तो पहले मैं पब्लिक करती हूँ। जाना था ये लेकर अल्टर करवाने, और ये इधर ही रह गया, अब दोबारा फिर कभी जाऊँगी। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि। मैं जितनी देर से नींद नहीं खुल रही थी, बारिश में जाकर सारी नींद खुल गई, मज़ा आ गया इतनी देर बाद बारिश देख के, मज़ा आ गया बारिश में। अब मेरी पूरी तरह से नींद खुली है, वरना मैं अभी तक नींद में ही बैठी हुई थी। इस वक्त वेदर ना इतना मज़ेदार हुआ है ना, पूरी धूप निकली हुई है और बारिश भी ज़ोरदार पड़ रही है। मेरा तो मन कर रहा है बारिश में भीगने का, मैं थोड़ी भीगी, मजा आया। तो मैं अभी दिखाती हूँ, देखना कितनी तेज धूप है और बारिश, सूरज और बारिश देखना। मुझे लग रहा है क्या बोलते हैं, किसकी शादी हो रही होती है, चिड़िया की, गिद्ध गिद्ध की। किसकी? गिद्ध और गिद्धी की, और गिद्धी।
कोई बोलता है मेंढक मेंढक की होती, पता नहीं किसकी होती, कोई चिड़िया की भी बोलता है ना, तो कोई बोलता है गिद्ध और गिद्धी की, गिद्धी बोलते हैं वैसे, पता नहीं क्या बोलते जो भी, तो कोई बोलता है मेंढक और मेंढक की, कोई चिड़ा चिड़ा, चिड़िया और चिड़ी, चिड़िया और चिड़ी। हाँ तो होती है आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताना हमारे यहाँ पर। किसी ना किसी की तो हो ही रही है, किसी ना किसी की हो रही है, और अब रेनबो भी निकलेगा, अगर रेनबो मुझे दिखेगा तो मैं जरूर ब्लॉग में दिखाऊंगी, अगर नहीं दिखा तो फिर नहीं। इतनी प्यारी बारिश के बाद सुहाना मौसम नहीं, धूप चिलचिलाती हो गई है। तो कैसे लग रहे हैं आप सभी को डेली व्लॉग्स, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और क्या क्या आप जानना चाहोगे या क्या मैं करूं, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में। मेरा ना वही हाल है ज़िंदगी का, वो वाला ट्रेंड नहीं चल रहा है इंस्टा पे, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां, तो मेरा भी वही हाल है, नए कपड़े बदल कर कहां जाऊं और किसके लिए बाल बनाऊं, घर पे बैठे रहना मैंने वेले। चलो जो जो भी होता रहेगा वो आपको भी दिखता रहेगा मेरे डेली ब्लॉग्स में। फिर सेम टी शर्ट में वापस आ चुके हैं, नरवाल था एक पूरे दिन तभी ये डाली। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, चलो उनके पास जाते हैं और देखते हैं वो क्या खेल रहे हैं। क्या चल रहा है ये, कौन सी गेम चल रही है? स्टापू, यहाँ पर तो स्टापू बना ही नहीं है पर चल खेलो स्टापू, बनाओ स्टापू, इतना सा बना ले ना। ओ पहले ही आउट हो गई मान्या, शाबाश, हमने भी बहुत खेला हुआ है छोटे होते, रुक जा मेरी थर्ड टर्न, ठीक है ऑन है, हाँ आउट। अभी मैं इनके साथ खेल के अपनी यादें ताजा करूंगी बचपन की। गिन्नी शर्मा रही है थोड़ा सा, ये भाग जा रही है, भाग गई। यहाँ पर सबसे सही कौन खेलता है वैसे, हमेशा कौन जीतता है, मैक्सिमम टाइम कौन जीतता है? ये मुगू, मेरे को खेले हुए बहुत ज्यादा देर हो गई है, मुझे नहीं लगता मैं एक भी बार पार कर पाऊंगी। क्या होता है हाथ वाला, वो क्या होता है सिर वाला, हाथ वाला, इसके बिना खाना नहीं जीतते, ये करना पड़ेगा। अभी देखो इसको, ये कौन से रूल है, सिर वाला पैर वाला, ये रूल है, मैंने हम तो नहीं ऐसा खेलते थे कुछ भी, सिर वाला पैर वाला। अब कौन सा है, ये कौन से रूल्स चल पड़े हैं, कौन सा अब, सिर वाला, नए रूल सिर वाला, ये देखो सिर वाला रूल भी है। कोई तो अब मैं आ चुकी हूँ मैदान में, देखते हैं मैं कितना खेल पाती हूँ, मैंने उधर ही फंस जाना है। टाइम के साथ लग रहा है स्टेपू के रूल्स भी चेंज हो गए, तो अब मेरी बारी है लास्ट खाने की। मैं सॉरी पुरानी खिलाड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भूल चुके, रिटायर हो गई थी ना, लास्ट में फंस गई मैं, लास्ट वाले में वो मेरी टर्न वापिस आ, माने हम फिर से जाते ही आउट हो चुकी है, और इसका आ गया सिर वाला, सिर वाला, पांव वाला, खबी वाला, हाथ वाला, इसमें क्या करना, पैर पे रख के, हाँ रखो रखो रखो, करो करो जैसे करना है, ऐसे पैर जंप मार के अंदर जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सीधा जा सकते हैं अंदर, जा सकते हैं ना, हाँ अब जंप, अब जंप आउट, पहली बार आउट।
मैं भी ना माना गिरी गई माने में जोश इतना हाई हो गया कि माना गिरी गई मैं तो पैर वाला भी नहीं पार कर पाऊंगी। आंखें बंद करके भी करना है हाँ भाई, ये तो पास होने से भी बड़ा वो बोर्ड्स एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल है। ये हमारी मन्नत एक और सिस्टर, अब ये भी एड ऑन हो जाएगी गेम में। माने आउट, तेरी टिप्पी चकना चूर हो गई। ये आप गलत गेम खेल रहे हो, ऐसे कोई गेम नहीं होती थी। आप लोगों ने ही बनाई है ये उल्टी उल्टी सी गेम। कैसे मुंह छुपा दिया, देखिए क्या कर रहे हो भाई। हे भगवान, मेहनत। सारे प्रो प्लेयर हैं भाई यहाँ पे, और मैं नया खिलाड़ी जो कि रिटायरमेंट लेने के बाद आया। इन्होंने कौन कौन से कोनों में खिड़कियां छुपा के रखी हैं। तो बार बार रूल तो बताया नहीं, चीटिंग कर रहे हो आप लोग। देखिए मेरे पैर पे सज चुकी है, मेरे पाँव पे सज चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने मैदान में। आउट भाई। पढ़ाई ही नहीं, गेम्स भी यहाँ पर मुश्किल हो चुकी हैं आज की जनरेशन में भाई। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स के भी रूल्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर गेम्स चल रही हैं, मैं कभी भी नहीं जीत पाऊंगी, मैं अपने पैर वाले से ही नहीं निकल पाऊंगी। तो मुझे लग रहा है मुझे यहीं पे छोड़ना चाहिए खेल को। इतना हारा हुआ चेहरा लेकर मैं घर को वापस जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं यहाँ पर कभी भी जीत सकती। हाथ वाला कर लो, खप्पी वाला कर लो, कुछ भी कर सकते हैं वाले। तो मैं, मेरे को क्यों नहीं बताते आप? नहीं नहीं, अब जो भी होते हैं पहले तो मैं यही वाला करूंगी। मैं हार मान रही हूँ और टाटा बाय बाय। मैं बाकी ज्यादा हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहती जब आप सारे जीत जाओ और मैं हार के घर जाऊँ। तो अब से ये होगी मेरी टिप्पी, मैं इससे खेलूंगी। इससे भी खेलो, खेलो ये वाली, मैं ये मेरी दूसरी आ गई। नहीं, मैं इससे खेलूंगी ये ये कहा गई, इससे खेलूंगी मैं। मंत्र कौन सा था वैसे आपका? क्या लटका चुची लटका दे, ओम क्रीम चामुंडा है चामुंडा है, ओम क्रीम चुची लटका चुची लटका चुची लटका। तो देखिए, किसी को हराना हो तो आप भी ये मंत्र पढ़ सकते हैं, ये इनका हराने के लिए मंत्र है। बुलेट आजा आजा, बुलेट रहा बुलेट, ब्लू आजा, ओ ब्लू इधर आ ले, तू भी सैंडविच जैसे भूखा है। ये देखिए, ये भूल गई लड़की किसमें थी किसमें। लड़ाई चल रही है इधर इन सारों की, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। इनको टेंशन पड़ी है थंबनेल की, उनको टेंशन पड़ी है सैर की, बहुत काम है मुझे। मुझे टेंशन ही टेंशन है। सो इट्स टाइम फॉर अ वॉक। एक मिनट, भाभी तैयार हो गए हैं, तो अब मैं भी शूज पहनूंगी। और बहुत हो गई आज के लिए खेल, मैं अपना हार के आई हूँ, बुरी तरह से हार के आई हूँ गेम में छोटे छोटे बच्चों से। अब मैं शूज पहन लेती हूँ और फिर वॉक के लिए निकलते हैं। सैम चलना है तूने वॉक पे? उठ चलना है तो, तैयार है? चल चलो वॉक पे चले। देखा कितनी एक्साइटेड है, रुक जा मैं खोल रही हूँ। हो गई भाग के। तो हम जा रहे हैं वॉक पे और आपको आके मिलेंगे, और नहीं आके क्या मिलेंगे। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच आप सभी का पूरा ब्लॉग देखने के लिए, और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप आगे भी मेरे ब्लॉग्स देख सको। और कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप क्या देखना चाहोगे ब्लॉग में तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।